फ्रेंड्स, हमारी शीर सेवई रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें कटे हुए बादाम गार्निश कर देंगे और ये रेडी हैं। अगर आप इसको ठंडा खाना चाह रही हैं तो फ्रिज में 2 से 3 घंटे रख दिए और चिल्ड करके खाइए इसको। ओके बाय फ्रेंड्स, मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल TRG कुक्स एंड रेमेडी। दोस्तों, आज मैं आपको शीर सेवई बनाना बताऊंगी। इसके लिए पैन में घी डालेंगे, उसमें हम छोटी इलायची डालेंगे, फ्रेंड्स हमने ऑयल में सेवैयाँ डाल दी हैं, अब हम इसको सॉटे करेंगे 2-3 मिनट। अब इसमें हम तेल डाल देंगे, इसके साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, कोकोनट, किशमिश और ये कटे हुए बादाम। फ्रेंड्स, अब हम इसमें खोया डालेंगे। वेट करेंगे कि हमारे दूध में अच्छे से बॉईल आ जाए और हमारे ये सेवैयाँ गाढ़ी हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम इसमें केवड़ा डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे इसमें स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे दूध में बॉईल आ गया है और अब इसमें सेवैयाँ भी पक गई हैं, गाढ़ी हो गई हैं, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। इस लेवल पे हम यहाँ पे इसमें शुगर ऐड करेंगे और शुगर जो है वो शीर सेवैयों में बहुत कम पड़ती है, तो उसी रेशियो से आप कम शुगर डालेंगी, बहुत ज़्यादा शुगर इस वाली सेवई में नहीं पड़ती है, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है।